कार्यालय कक्ष में मंगलवार को जनता दरबार आयोजित की गई। जनता दरबार में उपायुक्त अबू इमरान ने विभिन्न प्रखंडों से आए ग्रामीणों की समस्या को सुना एवं समस्या समाधान को लेकर पदाधिकारियों को निर्देशित किया। जनता दरबार में उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, इसका लाभ सभी लाभुकों को मिले एवं योजनाओं के संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो, इसके सुनिश्चित करें। जनता दरबार में बरियातू प्रखंड मुख्यालय में दर्जनों ग्रामीणों ने उपायुक्त से मिलकर बरियातू मुख्यालय स्थित बाजार की भूमि पर अवैध कब्जा करने की शिकायत की एवं भूमि पर निर्माण कार्य की आरंभ होने की बात बताई, जिस पर उपायुक्त ने सीओ को जांच कर अविलंब कार्रवाई का निर्देश दिया। सदर प्रखंड के डीडी गांव निवासी जगमोहन उरांव के द्वारा बिना बिजली जलाए ही बिजली बिल भेजे जाने को लेकर आवेदन उपायुक्त को दिया गया एवं उचित कार्रवाई की मांग की, जिस पर उपायुक्त के द्वारा बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया। चंदवा प्रखंड के मुसाड़ गांव निवासी लखन ठाकुर के आवेदन देकर गांव के प्रभु ठाकुर पर सरकारी चापाकल पर निजी उपयोग करने एवं आम जनों को सरकारी चापाकल से पानी नहीं भरने देने का आरोप लगाया, जिस पर उपायुक्त के द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को जांच कर कार्रवाई को लेकर निर्देशित किया गया। जनता दरबार में जमीन विवाद, विद्यालय में नामांकन समेत दर्जनों मामले आए, जिस पर उपायुक्त के द्वारा पदाधिकारियों को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कंडुल्ला मौजूद थे।